हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर रोज नवीन पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। और उसके बाजू नीचे जो सब्सक्राइब बटन आएगा उसे भी प्रेस करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि हमारे नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तो मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँ, फिर से एक नई जानकारी लेके आऊँ, फिर से एक नई भर्ती के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, ये जो भर्ती निकले फ्रेंड्स, तो ये भर्ती बहुत ज़्यादा पदों के निकले और लेटेस्ट भर्ती निकले। तो इस भर्ती की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए फ्रेंड्स, इस भर्ती की सारी जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले, और आप इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे जॉब आसानी से मिल सकती है। तो देखिए, इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है RSMSSB पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2019, यानी कि RSMSSB में पटवारी ऑनलाइन फॉर्म 2019, यानी कि पटवारी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2020 फ्रेंड्स, 2019 नहीं फ्रेंड्स, सॉरी 2020 आप आवश्यक है, यानी कि 2020। उसके देखेंगे नीचे पोस्ट डेट, तो पोस्ट डेट आप यहाँ देख सकते 5 दिसंबर 2019। उसके बाद देखेंगे टोटल वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4207 पदों के लिए है भर्ती निकली फ्रेंड्स, 4207 पदों के लिए है भर्ती निकली, यानी कि बहुत ज़्यादा पदों के लिए है भर्ती निकली। तो आप इसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे जॉब आसानी से मिल सकती है। उसके देखिए ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि RSMSSB हैज़ पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी वैकेंसीज, यानी कि RSMSSB ने नोटिफिकेशन पब्लिश किए और पटवारी वैकेंसीज के लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश किए। दोस कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पे कहा है। यानी कि जो उम्मीदवार इसमें इंटरेस्टेड है वो इसकी वैकेंसी डिटेल्स पढ़ लीजिए, कंप्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ लीजिए और इसकी नोटिफिकेशन भी पढ़ लीजिए एंड अप्लाई ऑनलाइन भी आप यहाँ पे कर दीजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके देखिए राजस्थान सब ऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि RSMSSB, उसके देखिए पटवारी वैकेंसी 2019 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके देखेंगे एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फी में आपको यहाँ पे कहा है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कहा है फॉर जनरल एंड ओबीसी की जो क्रीमी लेयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर जनरल या ओबीसी क्रीमी लेयर उनके लिए यहाँ पे 450 रुपये फी होने वाली, यानी कि 450 रुपीज़ फी उनके लिए होने वाली है। उसके देखिए बीसी और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 350 रुपये होने वाले हैं फ्रेंड्स, 350 रुपये, यानी कि 350 रुपीज़ फी होने वाली है। उसके देखिए फॉर SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये फी होने वाली है, यानी कि 250 रुपीज़ फी होने वाले हैं। उसके देखिए पे मोड आप कैसे कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन आपको यहाँ पे पेमेंट मोड करना है, ऑनलाइन आपको यहाँ पे पेमेंट मोड करना है। उसके देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फी, तो उसकी डेट है फ्रेंड्स 20 जनवरी 2020, आप यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स 20 जनवरी 2020 आपको यहाँ पे कहा है स्टार्टिंग डेट। उसके देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फी, तो लास्ट डेट है टू अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट फी की, तो है फ्रेंड्स 19 फरवरी 2020 बाय रात को 12 बजे तक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके देखिए एज लिमिट, तो एज लिमिट सबसे पहले देखेंगे एज ऑन 1/1/2020, तो मिनिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे चाहिए होगी फ्रेंड्स 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पे चाहिए होगी फ्रेंड्स 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट बताइए। उसके देखिए एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स के मुताबिक होगा। उसके देखिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या लगने वाले, तो क्वालिफिकेशन आपको बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम या डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में या इक्वलेंट में आपकी होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके देखिए वैकेंसी डिटेल्स, तो वैकेंसी डिटेल्स में देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे कहा है पोस्ट नेम,
सेकंड कॉलम में आपको यहाँ पे टोटल वैकेंसी बताइए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पोस्ट नेम में आपको यहाँ पे पटवारी कहा है, उसके देखिए टोटल वैकेंसी 4207 पदों के लिए भर्ती निकली है। उसके नीचे आपको यहाँ पे कहा फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पे कहा है, यानी कि जो उम्मीदवार इसमें इंटरेस्टेड है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस भर्ती की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दी है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।